जो नारा देती थी भारतीय जनता पार्टी, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो कैसे बचावल जाए तो बतैबा नहीं किए। जैसे मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, किसके आएंगे पता ही नहीं, महंगाई कम होगी कब कम होगी पता ही नहीं। तो ये सरकारें जो हैं महंगाई, भ्रष्टाचार, गुंडा राज, लूटपाट करने वाली सरकार है ये। सियासत के बदलते मिजाज के साथ सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी खूब खूबी के साथ दिल से बदलते हैं, दिल खोल कर बोलते हैं। जितना दिल से किसी के लिए मिठास के दो बुलबुले शब्द निकालते हैं, उतने ही शिद्दत के साथ कड़वाहट के खोल किसी के सियासी जायके में खोल देते हैं। कभी सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ओम प्रकाश राजभर के मीठे बोल, लेकिन 2021 आते आते जब सियासी स्थितियां और परिस्थितियां बदली तो अंदाज बदल गए। अब तल्ख सवालों के जरिए निशाना साध रहे हैं। कभी सीएम योगी के भी दोस्त हुआ करते थे, अब वही योगी उनके सबसे बड़े सियासी दुश्मन हैं। बात बात पर, हर बात पर बातुनी बेवाक राजभर के निशाने पर सीएम योगी ही हैं। कुंभ पर कैग की रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी को, उनकी सरकार को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीति को ढोल बांध डंके की चोट पीट रहे हैं। पीएम मोदी से मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं हिम्मत है तो कुंभ घोटाले की जांच सीबीआई से मोदी सरकार कराए। चुनौती दे रहे हैं अगर ऐसा हुआ तो योगी दोषी होंगे, जेल जरूर जाएंगे और जब जांच में योगी गलत नहीं हुए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। योगी जी के राज्य में आपने देखा जो है ये कुंभ के मेले में कह की रिपोर्ट आ गई, मोटरसाइकिल से मट्टी ढोआइल बा है, टेम्पू से मट्टी ढोआइल बा। अरे योगी जी बहुत ईमानदार बनते हैं ना, अगर ईमानदार है, मर्द है, हिम्मत है, देश के प्रधानमंत्री को कहता हूँ कि जिस तरह आपने यूपीओ को घेरा था, आप सीबीआई जांच करा दो और सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज के देख रेख में जांच करा दो, दूध का पानी योगी जेल न चले जाए तो राजनीति छोड़ दूंगा। कुंभ घोटाले पर कैग की रिपोर्ट जगजाहिर है, सियासी पार्टियों के निशाने पर सीएम योगी हैं, सब योगी को घेर रहे हैं। अब ऐसे में ऐसा कैसे हो सकता है कि मुख्यमंत्री के सबसे बड़े सियासी दुश्मन ओपी राजभर उन्हें कैसे बख्शने वाले हैं, कैसे छोड़ने वाले हैं? अपने राजनीतिक विश्वास के सहारे, विश्वास के पीएम मोदी के मामले में जांच कराने की मांग का विश्वास दिला रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित है, तय है, सीएम योगी जेल जाएंगे, विश्वास चरम पर ही तो है। अगर ऐसा नहीं होने पर राजनीति की दुनिया को अलविदा कहने की बात कह रहे हैं।